चतुर्मुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 38। धूमे नाव्रियते वग्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम् अवृतम्। अर्थात जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ से आवृत रहता है, उसी प्रकार यह आत्मज्ञान काम और क्रोध से आवृत रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने श्लोक 36 में पूछा था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, वह नहीं चाह करके भी पाप कर्म क्यों करता है। तो इसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान ने 37वें श्लोक में दिया कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध ही है जो इंसान से न चाह कर भी पाप कर्म करवाता है। इस श्लोक में 3 तरह की उपमाएं देते हैं और बताते हैं कि कामना द्वारा यह ज्ञान कैसे ढका हुआ रहता है। बोलते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, हम देखते हैं कि धुआं होता है वह आग को भी ढक लेता है, हमें वह आग दिखाई नहीं देती है, खाली धुआं ही धुआं दिखाई देता है। और वैसे ही धूल से दर्पण ढक जाता है, हम जैसे देखते हैं दर्पण को साफ नहीं करते तो दर्पण भी ढक जाता है, आईना भी ढक जाता है, उसमें हमारी शक्ल भी प्रॉपरली दिखती नहीं है। और वैसे ही एक और उपमा दे रहे हैं, जैसे कोई गर्भ होता है वह अपने आवरत में ढका रहता है, उसी तरह से कामना के द्वारा यह ज्ञान भी ढक जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा का प्रकाश चमकता नहीं है, वह तो सदैव चमकता रहता है, परंतु काम और क्रोध से ढक जाने के कारण वह प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति से, वैराग्य से, निष्काम कर्म से या ज्ञान से लगातार अभ्यास करता है तो उसकी काम की शक्ति का क्षय हो जाता है, उसका क्रोध भी खत्म हो जाता है, वह दुख सुख में सम हो जाएगा, उसे क्रोध भी नहीं आएगा। ऐसी अवस्था में आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से चमक कर आ जाता है। और जब आत्मा पूरी तरह से चमक कर आ जाती है, उसका प्रकाश पूरी तरह से चमक उठता है, तो मनुष्य स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वह सभी शक्तियों से मुक्ति पा जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अगर काम आत्मा को ढक देता है, इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा से प्रभावित हो जाती है, आत्मा तो अपने मूल शुद्ध रूप में मौजूद रहती है, केवल अज्ञान हट जाए, अज्ञान का पर्दा हट जाए तो वह शुद्ध रूप में आत्मा प्रकट हो जाती है। इसे कोई छू नहीं सकता, इसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, आत्मा को कोई रूपांतरित नहीं कर सकता, वह तो अपनी शुद्ध अवस्था में ही बनी रहती है। अब पूछते हैं कि आवरण हटाया कैसे जाए, तो वह ज्ञान की शक्ति से हटाया जा सकता है, निष्काम कर्म भाव से हटाया जा सकता है। ज्ञान में भी लगातार आप वही अपने सॉफ्टवेयर को कमांड देते रहेंगे कि हमें काम और क्रोध के विषयों में नहीं है पढ़ना, तो धीरे धीरे अभ्यास से
हमारे यह जो आवरण है, पर्दे हैं, वो हटते चले जाते हैं। काम शक्ति और क्रोध की शक्ति क्षीण होती जाती है और आत्मा अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाती है। यही कृष्ण भगवान का संदेश है। As fire is enveloped by smoke, as a mirror by dust, as an embryo by the amnion, so this knowledge of the self is enveloped by kama and krodha. दुहों जीअं थो अग्नि लिकाए छॾे, मिटी आरसीअ खे छिपायो छॾे, थो जीअं परदे सां गर्भ ढकजियो वञे, थो विषयनि सां तीअं लोक लटजियो वञे। जीअं त पाण ॾिठोसीं श्लोक 36 में अर्जुन श्री कृष्ण भॻवान खां पुछेसि थो त इंसान न चाहींदे बि पाप कर्म छो कंदो आहे। उनखे ईअं लॻंदो आहे ॼण को केर ज़बरदस्ती का रहस्यमय शक्ति उन सां पाप कर्म कराए थी, त कंहिंसां प्रेरित थी करे हू पाप कर्म कंदो आहे। श्लोक 37 में श्री कृष्ण भॻवान हिन सुवाल जो उत्तर ॾेसि थो त इहो काम ऐं क्रोध ई रहस्यमय शक्ति आहे जेका इंसान खां न चाहींदे बि पाप कर्म कराईंदी आहे। हिन श्लोक में श्री कृष्ण भॻवान समझाइनि था त जीअं धुओ थींदो आहे, उहो बाहि खे ढके छॾींदो आहे, त बाहि पाण खे ॾिसण कोन ईंदी आहे, ऐं जेको आइनो थींदो आहे, जेका आरसी थींदी आहे, उन खे बि दज ढके छॾींदी आहे, लटे छॾींदी आहे, त पाण खे पंहिंजी शिकिल बि कान ॾिसण में ईंदी आहे। ऐं तीअं ई को ॿार आहे, उहो पेट में आहे, त उहो बि पंहिंजे आवरण सां ढकियो पियो हूंदो आहे। तीअं ई हीअ जेको ज्ञान या विवेक आहे, उनखे कामना ढके छॾींदी आहे, त इन करे ई पंहिंजे आत्मा जो जेको प्रकाश आहे उहो नज़र कोन ईंदो आहे। ईअं न आहे त आत्मा खे हीअ कामना प्रभावित करे सघंदी, मुतासिर करे सघंदी, या उनखे कन्वर्ट करे सघंदी, बदले सघंदी, न उन में काई तब्दीली नथी आणे सघे। उहा पंहिंजे निज रूप में ई रहंदी आहे, पर उहा पंहिंजे कामना आहे, उहा आत्मा खे परदे वांगुरु ढके छॾींदी आहे। तंहिं करे ई आत्मा जो प्रकाश असांखे नज़र न ईंदो आहे, आत्मा जो पंहिंजो निज स्वरूप में पाण महसूसु न करे सघंदा आहियूं। पर अगरि ज्ञान सां या निष्काम कर्म सां ई पाण लॻातार कयूं, लाॻीता कयूं, त इहो जेको आवरण आहे, इहो जेको पर्दो आहे, उहो झीनो थींदो वेंदो आहे ऐं आत्मा पंहिंजे निज रूप में ईंदी आहे। पर इन करे पाण खे लाॻीतो अभ्यास करणो पवंदो आहे, पंहिंजे सॉफ्टवेयर खे लाॻीतो हिकु कमांड ॾियणो पवंदो आहे कि असांखे निष्काम कर्म करणो आहे, असांखे काम ऐं क्रोध सां परे रहणो आहे, त आत्मा पंहिंजे निज रूप में प्रगट थींदी आहे ऐं उनखे ई स्थिर प्रज्ञता चइबो आहे, उनखे ई मोक्ष चइबो आहे। इन रीत अध्याय 10 जे श्लोक 37 जो अर्थ पूरण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 38। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण। माफ़ कंदा, श्लोक 38 पूरण थियो, सुभाणे ॾिसंदासीं 39 श्लोक। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।